दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर, एक बार फिर से हम आपके लिए 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जहाँ दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं, आवेदन करने के लिए भी लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सभी भर्तियों के यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। इनमें से कुछ भर्तियाँ ऐसी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा और ना ही कोई शुल्क जमा करना होगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। 1760 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 20,800 से 65,900 लेवल 5 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। जनरल या OBC IWS के लिए ₹500 शुल्क है। SST PWD के लिए ₹350 शुल्क है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। SCRA.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे आज ही से। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 अक्टूबर 2020 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 नवंबर 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 2 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। अकाउंट क्लर्क की भर्ती है। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 27,200 से 86,100 लेवल 4 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। जनरल OBC IWS के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क है। SC ST के लिए ₹700 शुल्क है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर SBI चालान से ऑफलाइन भी कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। UPEnergy.in/UPPCL पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 6 अक्टूबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 27 अक्टूबर 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट चालान के माध्यम से 29 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन नेवी में। भारतीय नौसेना में भर्ती है। 10+2 BTEC कैडेट एंट्री स्कीम के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सीधे आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात आयु सीमा की जाए तो 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। बिना एग्जाम की भर्ती है। SSB INTO से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। joinindiannavy.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 अक्टूबर 2020 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हेल्थ डिपार्टमेंट में। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक, यूनानी मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिकल ऑफिसर की। जी हाँ दोस्तों, 3,270 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 9,300 से 34,800 लेवल 9 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो BMS, BHMS और BUMS से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु की अगर बात की जाए तो 21 से 37 वर्ष मेल के लिए, 21 से 40 वर्ष फीमेल के लिए है। शुल्क की अगर बात की जाए तो जनरल या OBC अदर स्टेट के लिए ₹200 शुल्क है। SC ST PH वोमेन कैंडिडेट जो बिहार स्टेट के, उनके लिए ₹50 शुल्क है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर।
बिना एग्जाम की भर्ती है, ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। pariksha.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए पहले से ही चल रहे हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है आयुष डिपार्टमेंट में। आयुष विभाग के अंतर्गत लेक्चरर की भर्ती है, 87 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सैलरी 56,100 से 1,77,500 है। MD से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए ₹500 शुल्क है, रिजर्व कैंडिडेट जो MP के हैं उनके लिए ₹250 शुल्क है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा, इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। mppsc.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 8 अक्टूबर 2020 से, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 नवंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में, PGI के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है सीनियर रेजिडेंट और जूनियर या सीनियर डेमोनिस्ट्रेटर की, 126 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी की बात की जाए तो सीनियर रेजिडेंट और सीनियर डेमोनिस्ट्रेटर मेडिकल के लिए 67,700 है, सीनियर डेमोनिस्ट्रेटर नॉन मेडिकल के लिए 56,100 है, जूनियर डेमोनिस्ट्रेटर मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए 35,400 पर माह के लिए है। योग्यता की बात की जाए तो PG, MD, MS, MBBS, MA, MSc, MVSc, PhD से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम यहां पर 45 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC EWS के लिए ₹1,500 शुल्क है, SST कैंडिडेट्स के लिए ₹800 शुल्क है। PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डिपार्टमेंटल इंटरव्यू और असेसमेंट के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। pgimer.edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 1 अक्टूबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 7th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पंजाब नेशनल बैंक में। स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ की भर्ती है, 535 वैकेंसीज है। सैलरी मैनेजर के लिए 31,705 से 45,950, सीनियर मैनेजर के लिए 42,020 से 51,490 है। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, CA MBA BBTEC से आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर के लिए 25 से 35 और सीनियर मैनेजर के लिए 25 से 37 वर्ष आयु सीमा है। SC ST PWBD कैटेगरी के लिए ₹175 शुल्क है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ₹850 शुल्क है। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट और या इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। pnbindia.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की एक्सटेंडेड कर दी गई है, जो पहले 29 सितंबर थी उसको बढ़ाकर अब 6 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 1 अक्टूबर 2020 की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं, आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।